मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस से 10 साल पहले बाहर हुए नेताओं की घर वापसी यानी कांग्रेस में वापसी हुई है। सिरमौर से बीजेपी विधायक दिव्य राज सिंह के पिता और रीवी महाराज पुष्पराज सिंह 10 साल बाद फिर से कांग्रेस में लौट आए हैं। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई है। आपको बता दें कि पुष्पराज सिंह 3 बार रीवा विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। रीवा में ही बीजेपी को एक और झटका तब लगा जब महिला मोर्चा की महामंत्री प्रियंका तिवारी ने बीजेपी नेताओं पर शोषण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की सदस्यता ले ली। प्रियंका ने आरोप लगाया कि बीजेपी के अंदर महिलाओं का सम्मान नहीं है, वहां नेत्रियों के साथ अभद्रता की जाती है। इस आरोप के बाद बीजेपी की छवि तो धूमिल हुई ही है, साथ ही बीजेपी नेताओं का पार्टी से खिसकना कांग्रेस की मजबूत पकड़ को बयां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।